गाइस, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको लगता है कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, मुझे ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करना चाहिए बिज़नेस, पर दोनों बिज़नेस के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ओनली कम बजट में आपको कितना बड़ा बिज़नेस बताता हूँ। मान चलिए अगर आपके पास ओनली 5 से 10 हज़ार रुपये ही हैं ओनली आपके पास, तो ये बिज़नेस आप ऑनलाइन भी लेके जा सकते हो और ऑफलाइन भी बिज़नेस कर सकते हो, बहुत ही कम बजट में है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ कि ये वीडियो जो है ये आपने देखा ही होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। ये बोतल ये हॉट पानी की बोतल जो होती है, ये एक्चुअली में पानी का नहीं, इसमें आप कॉफ़ी टी वगैरह और इसमें कॉफ़ी टीज वगैरह जो तो रख ही सकते हो आप, इसे ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये लोकल मार्केट में बहुत ही कम मिलेंगी आपको, ये ऑनलाइन है और ज़्यादातर जैसे ऑनलाइन वगैरह जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, मीशो है, जियो है, जियो मार्ट पे वगैरह ऐसा रहेगा, वहाँ पर ये एक्चुअली में ये ऑनलाइन बिकती हैं। इनका एक्चुअल प्राइस क्या होता है और होलसेल क्या प्राइस होता है, मैं आपको दोनों बताएंगे। बस आपको इस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा वॉच करना, मैं A to Z आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले हम सर्च करते हैं इसको, हम जाके गूगल पे देखेंगे कि एक्चुअल में कौन क्या रेट पे बेच रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो 400-600 कोई बेच रहा है अप्रोक्स। मैं इसको डायरेक्टली इस पर डेस्कटॉप करता हूँ, देखो इसमें 650 रुपये का बेच रहा है, 380 रुपये का बेच रहा है कोई, इसमें देखो 348 रुपये का बेच रहा है, पर इसका कॉस्ट ये नहीं होता है, नॉर्मली उससे भी कम होता रुपए का है। तो देखो 260 रुपये में इन्होंने बेच रहा है, पर इसके डिलीवरी चार्ज भी लगा रहा है, 499 रुपये का बेच रहा है, ये 919 रुपये का बेच रहे हैं, ये देखो कितने रुपये का है, 600 रुपये का बेच रहे हैं, ये एक्चुअली में बेच रहे हैं, ये देखो 344 रुपये का बेच रहे हैं, 600 रुपये का बेच रहे हैं, पर एक्चुअली में ये प्रोडक्ट की कीमत ओनली बहुत ही कम होती है, मत के समझो 165-170 रुपये में अप्रोक्स जाता है ये प्रोडक्ट। आप ये प्रोडक्ट जो होते हैं इंडिया के नहीं होते, ये आउट ऑफ स्टॉक जो होते हैं, आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, जैसे चाइना वगैरह से ये एक माल जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है आता है, इम्पोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है, इंडिया से माल वहाँ भी जाता है और यहाँ भी आता है, दोनों तरीके से होता है। पर सिंपल से ये समझिए, ये जो बोतल है मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग पे है इस टाइम, इसकी प्रॉफिट लोग ऐसे बार बार के पैसे कमा रहे हैं और भर भर के छाप रहे हैं, अपने अकाउंट में पैसे आ रहे हैं लोग। आप भी सिर्फ उन्होंने कोई बड़े पैसे लगा के बिज़नेस नहीं करते हैं, नॉर्मली छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं, पर मैं आपको विदाउट रिस्क ही आपको बिज़नेस बताऊंगा कि इसमें कोई लॉस नहीं, कोई भी आपको इतना नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह जैसे मीशो वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जियो मार्ट वगैरह पर उनसे जाइए, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाइए, फ्री में बनता, कोई पैसा नहीं लगता है। आप अगर आपको ऐसा लगता है बनाना नहीं आता है, ऐसा कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देख के भी बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारा, इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो समझिए, ये जो बोतल है इंडिया मार्ट पे हम सर्च करेंगे कौन कितने प्राइस पे बेच रहा है। तो सबसे पहले आप इंडिया मार्ट पे सब सर्च करेंगे तो इसको होलसेलर सर्च करेंगे, हम इस बोतल का एक्चुअल प्राइस देखेंगे कौन कितने रुपये में बेच रहा है, 200 रुपये में एक बोतल की कीमत है और यही प्राइस पे लोग बेच रहे हैं, वो भी मीशो है, मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर जाके लोग 800-600-500 रुपये का बेच रहे हैं। सोचो 600-500 रुपये का ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बताइए ये प्रोडक्ट ओनली उसकी कॉस्ट जो है 170 रुपया, 165 रुपया, 160 रुपया और 175 रुपया, पर ये इसमें 200 रुपये देख रहे हैं, एक्चुअली में 200 रुपये नहीं है। आप कभी भी कॉल करेंगे, कभी भी अपने होलसेलर को सर्च करनाएंगे, तो सर्च करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी चीज़ को कस्टमर को अगर आप कॉल करते हो, चाहे कस्टमर हो चाहे होलसेलर हो, उससे बार्गेनिंग ही करना है आपको। बार्गेनिंग कैसे करना है कि आपने समझिए, आपने कॉल लगाया और उनको बोला कि मुझे आपका ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, मैं एक्चुअली में है ना कि जो आपका प्रोडक्ट है, मैं एक्चुअली में आपका जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो, मिंत्रा वगैरह पे, हम एक्चुअली में मेरा अकाउंट है, मैं उस पर जाके सेल करता हूँ, मुझे आपसे ये प्रोडक्ट अभी आपसे सिर्फ आपको थोड़ा प्रोडक्ट चाहिए ताकि मुझे ये पता चले आपका रिस्पॉन्स क्या,
अगर आपके प्रोडक्ट में अगर आपका मार्च ये ज़्यादा सेल होगा तो मैं आपका ज़्यादा क्वांटिटी आप ही से लूँगा, पर मुझे आपका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप मुझे प्राइस का रेट अगर आप सही लगाएंगे तो मैं आपसे ज़रूर ऑर्डर करेंगे, तब वो आपकी बात मानेगा और आपको ऑर्डर भी देगा, ऑर्डर में आपको डिस्काउंट भी देगा। इंडिया मार्ट पे ज़रूरी नहीं कि जो लिस्ट होता है वही आपको होता है, बार्गेनिंग होता है, अच्छा खासा बार्गेनिंग मिलता है। कोई चीज़ मानी चलिए वहाँ 300 की रजिस्टर होती है, कोई 150 की होती है, कोई 300 रुपये की होती है। अब इसी में जाएंगे बोतल में आप प्राइस देखेंगे, 500 ml की बोतल कोई 400 रुपये में बेच रहा है, कोई 200 रुपये में बेच रहा है, वही अमेज़ॉन पे जाएंगे वहीं वो इतने में बेच रहा है। पर इंडिया मार्ट पे एक बात याद रखना है कि जो भी आप होलसेलर को देखो तो होलसेलर का जो प्राइस पे आप उसे डिस्कस करना है। और उस चीज़ क्या होता है, और इंडिया मार्ट पे कई लोग जो होते हैं ना उनके पास ना कोई प्रोडक्ट होता है ना कुछ होता है, नॉर्मली क्या करते हैं वो लोग 10-5 प्रॉपर्टीज ले को वो एक्चुअली हम लेके आते हैं प्रोडक्ट और लिस्ट कर देते हैं। वो एक्चुअल वो होते हैं होलसेलर नहीं, रिटेलर होते हैं, वो आपको चिपका देते हैं आपका माल होलसेल में जाके। पर मैं सजेस्ट ये करूँगा, बस आपको सजेस्ट और लोकेशन दोनों चीज़ आपको सही बताना है ताकि आपका माल एकदम सही टाइम पे पहुँच जाए। देखो ये बोतल जो है ना हीटिंग बताती है कि कितने परसेंट हॉट है, ठंडा बचा है, वो सारा चीज़ ये बोतल बताती है 120 रुपये में है। पर यही बोतल की कीमत ओनली आपको होलसेल रेट पे पड़ती है ओनली 70-75 रुपये की, आप मार्केट में बेच सकते हो जाके इतने रुपये की। अब हम बात करते हैं आपके प्रॉफिट की, आपका प्रॉफिट कितना होता है इसमें, इसमें कितना रहेगा प्रॉफिट। मान के लिए आपने एक बोतल परचेज़ की है 170 रुपये की और 50 बोतल ही आपने सिर्फ पहले ऑर्डर किया वहाँ से, ओनली 50 ही ऑर्डर किया और 50 सेल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, 3-4 दिन लगेगा समय, 50 बोतल आपकी यूं ही सेल हो जाएंगी। और मान चलिए आपने 499 रुपये का आपने जैसे अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह पर जितने सारे लिस्ट कर दिया और मीशो वगैरह पर सब पे लिस्ट बना दिया और 50 प्रोडक्ट बेचने के लिए ओनली आपको लगेगा 2-3 दिन का समय। अब चाहो तो आप लोकल मार्केट में भी सेल करना, ऐसा नहीं कि आपको कहीं नहीं करना, लोकल मार्केट में भी सेल होलसेल में भी दे सकते हो। तो इसका प्राइस आप देखेंगे तो टोटल आपको प्रॉफिट सबको नेट मार्जिन निकालेंगे तो टोटल आपका निकलेगा 11,500। इसका प्रॉफिट निकला आपको सिर्फ 50 प्रोडक्ट जो आपने ख़रीदे थे वो एक्चुअली में 11,500 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। और मान चलिए आपने सिर्फ ओनली 10 बार ओनली प्रोडक्ट बेचा, 10 बार आपने ख़रीदा बेचा 10-12 बार, तो 1,38,000 रुपये का यूं ही प्रॉफिट होता है। गाइस अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द आपके पास पहुँचे। शायद आपको ये वीडियो आपके काम का ना हो पर लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए डालूँगा शायद वो आपके लिए बहुत काम का हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट रहेगा कि हम आपके होप के लिए मैं आपके बिजनेस रिकॉर्डिंग वीडियो डालूँ जिससे आपका बहुत काम आए। थैंक यू।